कटनी मुड़वारा अपने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग घबराकर नीचे लेट गया और अपने चेस्ट को पकड़कर कहराने लगा। आनन फानन में वहां से गुजर रहे आरपीएफ स्टाफ ने उसे देखा और अपने अधिकारी को सूचना दी। तत्काल मौके पर पहुंचे आरपीएफ स्टाफ ने बुजुर्ग यात्री को प्रथम उपचार सीपीआर देकर मदद की। आपको बता दें कि मुड़वारा आरपीएफ थाना प्रभारी ऊनी ओम प्रकाश गुर्जर, सवनी अमर सिंह यादव अपने बल के साथ प्लेटफॉर्म पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए गश्त कर रहे थे। जैसे ही उन्हें सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे और देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग दर्द से तड़प रहा है। बुजुर्ग यात्री को देखने पर पता चला कि वह बहुत घबराया हुआ है और उसके सीने में तेज दर्द हो रहा है। समय गवाए बिना यात्री को प्लेटफॉर्म पर तत्काल सीपीआर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित को सांस लेने में तकलीफ होने पर दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार दिया गया। इस दौरान यात्री को थोड़ी राहत मिलने पर तुरंत स्टाफ की मदद से यात्री को उठाकर ऑटो रिक्शा से शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर आरती सोंधिया ने जांच उपरांत यात्री को हार्ट अटैक आना बताया। बुजुर्ग यात्री अशोक मिश्रा पुत्र विश्वनाथ मिश्रा उम्र 55 वर्ष निवासी सागर का होना बताया गया। बुजुर्ग यात्री के परिजनों को सूचित करने पर उनके परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। हालांकि कटनी आरपीएफ केस के पहले भी मानवीय संवेदना प्रस्तुत करने वाले वीडियो सामने आ चुके हैं। आज एक बार फिर आरपीएफ टीम ने बुजुर्ग यात्री की जान बचाकर अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाई और मानवता की मिसाल पेश की। आज दिनांक 20 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों में और प्लेटफॉर्म पे चेकिंग के दौरान एक यात्री को सीने में तेज दर्द की शिकायत के साथ प्लेटफॉर्म पे लेटे हुए पाया गया। स्टाफ की मदद से यात्री को अटेंड किया गया। यात्री द्वारा श्वास लेने में और तेज सीने में दर्द की शिकायत की जा रही थी। यात्री को तुरंत स्टाफ के साथ मौके पे सीपीआर दिया गया, जिससे यात्री को कुछ आराम मिलने के बाद यात्री को अन्य स्टाफ की मदद से तुरंत शासकीय अस्पताल कटनी मुड़वारा में ले जाके भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है और यात्री के जीवन की रक्षा हो पाई है। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।